एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दोबारा तो ये है भंडी वाली रेखा जी और शिव जी के यहाँ पे विवाह मूवी की भी शूटिंग हुई है। सेपरेट वीडियो होती है अपने सेपरेट सेपरेट टेम्पल की तो बेटर रहता है, तो मैं यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं का वेलकम कर दूँ। तो अभी हम वही जागेश्वर धाम से लौट रहे थे और अब चेतली गोलू जी महाराज के मंदिर जा रहे हैं, आपको उसके दर्शन करवाते हैं। तो चलो चलते हैं, तो चलो चलते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। पहले तो आपको बता दूं, ये मंदिर बहुत ही सुंदर चीलों के घने जंगल में बसा हुआ है और जो बहुत सुंदर व्यू के साथ आपको दिख ही रहा है, रास्ते इतने सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। हम तो बहुत आते हैं यहाँ पे, हमेशा आते हैं जब भी आप आए। नहीं लगा दूँगा। तो ये मंदिर अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर है, जो चेतई गोलू देवता के नाम से प्रसिद्ध है और जगह का नाम भी चेतई है। यहाँ हमने गाड़ी पार्क कर दी और ये है मंदिर। तो हम चल दिए अंदर की तरफ। यहाँ से मेन मंदिर स्टार्ट है और यहाँ बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है, तो जब भी आप आओ तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। हमने हाथ में कुछ नहीं रखा था, सब कुछ हम गाड़ी में छोड़ के आए थे और वीरेन जी ने जो पूजा की थाली थी उसे छुपा के रख दिया था, एक पैकेट बना के हम उसे छुपा के रख दिया था अपनी शर्ट के अंदर। तो हमने यहाँ पे शूज़ खोले और थोड़ा पाँव वाँव धोए और हम चले मंदिर की तरफ। तो ये मंदिर कुमाऊँ क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है और ये भगवान शिव के अवतार गोलू देवता को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि ये मंदिर का निर्माण चंद वर्ष के सेनापति बारी शताब्दी में करवाया गया था। गोलू देवता को गौर भैरव और शिव का अवतार माना जाता है और ये पूरे क्षेत्र में उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं जब मंदिर जाओ इन घंटियों को बजाते जाना चाहिए। सुंदर लग रहा है, घंटियां बहुत सुंदर लग रही है। गोलू देवता को गौर भैरव का अंश और अनेक नामों से इन्हें प्रसिद्ध किया गया है, जैसे कि न्याय के देवता, गोलू देवता, शिव जी का अंश और घंटी वाले भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक रूप से उन्हें राजा जायराय और उनकी पत्नी कालिंका का बहादुर पुत्र और कत्यूरी राजा का सेनापति माना जाता है। तो ये है चेतई गुरु जी का मंदिर जो शिव जी के रूप होते हैं और यहाँ पे ऐसे मन्नत पूरी होने पे घंटी चढ़ाते हैं और जिसको अपनी विशेष लिखनी हो वो ऐसे लेटर लिख के आते हैं और यहाँ चढ़ा देते, बांध देते हैं, फिर जब मन्नत पूरी हो जाए फिर घंटी चढ़ाते हैं। और यहाँ पे विवाह मूवी की भी शूटिंग की गई थी, बहुत फेमस है, उत्तराखंड में बहुत फेमस है, अगर आप सर्च करोगे तो सबसे बड़े पुलिस्ट माने जाते हैं। इतनी लंबी लाइन लगी, अभी हम अपना वेट कर रहे हैं। अंदर अच्छा और ये धुनी जलती रहती है हमेशा। और बंदर देखो, तो ये एक तो ये लाइन घंटी की वेट से टूट गई थी, हमने तो डंडा उठा के रखा है। अब राइट की तरफ बीच में रख लो ये। इन्हें उत्तराखंड के चमत्कारी देव और न्यायिक देव से भी पुकारा जाता है। आतंक देखो इनका, मम्मी रुक जाओ। आया आया।
तो यहाँ मंदिर जाने के बाद अंदर आने से उसके बाद जाते हैं, यहाँ लौटते वक्त आते हैं। अब अंदर की तरफ ले चलते हैं आपको। ये है मेन दर्शन यहाँ के, जय गुरु देवता। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, आप इतने ही दर्शन कर लो। जय हो गुरु देवता। ये है अंदर के दर्शन। तो वहीं से बाहर निकल के ऊपर की तरफ ये माता का मंदिर है, शेरावाली माता के यहाँ दर्शन है। और मैं परमिशन से सारी वीडियो बना रही हूँ। बहुत सुंदर दर्शन है, आप भी देखो। ये माता का मंदिर है। तो ये थे यहाँ के दर्शन। हाँ, मैं बताना भूंगी, गोलू देवता को भूमि देवता के नाम से भी जाना जाता है और न्याय देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हम परिक्रमा करने लगे, लेकिन मंदिरों के डर से मैं मना कर रही थी, बहुत खतरनाक है। और ये देखो, ऐसे चिट्ठियाँ लिखी जाती है यहाँ पे, अपनी चिट्ठियाँ लिखते हैं लोग। और जब चिट्ठियाँ मतलब अपनी मन्नत पूरी हो जाए तो घंटे चढ़ाते हैं। मम्मी ने मेरे ब्लॉग के खिचड़ी चढ़ाई जाती है और वारी जाती है, मतलब ये ग्रह दशा को शांत करने के लिए होता है। खिचड़ी मतलब चावल और माँ के दाने लाए जाते हैं। तो चलो, ये हैं दर्शन यहाँ के, अब चलते हैं वापस, लौटते हैं और दाना गुरु की तरफ चलते हैं। इन बंदरों ने तो बच के, इन बंदरों से बच के यहाँ पर। तो ये थे दर्शन यहाँ के, अब चले डाना गुलजू की तरफ। कहते हैं कि यहाँ दर्शन करो तो वहाँ ज़रूर करने चाहिए। और ले चलते हैं आपको उस तरफ, यहाँ छोटी सी ये मार्केट है। तो हम लौट लिए अभी चेतई से, अभी हम दूसरी जगह जाएंगे, जो बुड गुलजू। तो हम अभी जो गुलजू महाराज जी है ना, उनके मामा जी के पास जा रहे हैं, सीधी बात। तो अभी वो जो मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाया था, उनके पास भी ज़रूर जाना चाहिए। कहते हैं कि यहाँ दर्शन करो तो उसके बाद वहाँ भी ज़रूर करने चाहिए। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो बंदरों के आतंक की वजह से हम ज़्यादा, मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पाई, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई, क्योंकि भीड़ भी बहुत थी और बंदरों ने बहुत ही परेशान करा हुआ था भाई, बहुत ही। तो चलो अभी ले चलते हैं आपको दूसरे बुड गुलजू जी के पास। जाना पड़ता।
बाद यहाँ दर्शन जरूर करने चाहिए, उसके बाद ही आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। और ये जो गुलजू है उनके जो चितई वाले गुलजू है उनके मामा जी माने जाते हैं, इनको इस तरह पूजा जाता है, इसलिए इनको बुढ़ गुलजू भी कहते हैं, मतलब वृद्ध गुलजू भी कहते हैं। और ये देखो घने चीलों के पेड़ के बीच ये मंदिर है, वो भी वैसे ही है। और हमारे तो ये कुल लिस्ट है, अभी हम घर वापस लौट लिए। और ये मैं स्नेक की शेप का वो पत्थर दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल फन की तरह फैला हुआ है और यहाँ सिक्का डाला जाता है। और मैं एक गाड़ी दिखाती हूँ आपको, मुझे बहुत अच्छी लगी, मस्त लग रही। कौन सी है? सफारी है। अब कहीं जाने को मन नहीं है, गाड़ी का गाड़ी में तो थकान होती है, बैठ बैठ के भी थक जाते हैं। चलाने वाली की सोचो, चलाने वाली का तो पूरे हाँ सही बोला, मतलब गाड़ी ना मम्मी दोनों को आनी चाहिए ना, मतलब दोनों को आनी चाहिए ना, कि ये एक चला ले कभी फिर दूसरा चला ले। हॉर्न बजाओ ना, हॉर्न का यूज करो, बातें करने के लिए थोड़ी ना होंगी वो खड़ी। सीख रहे हैं अभी, दांत तोड़ेंगे अपने। तो हम गाड़ी छोड़ के मतलब पार्क करके आ गए। कोई बात नहीं, थूक दे, घर ही जा रहे, घर को क्या है, मैं तो चले जाती आती दादा तो चल ना चलते, कुछ नहीं आता रास्ता कर दे, मेरी वीडियो बन गई इस पर। तो अभी घर की तरफ चल दी मैं, हम पहुंच गए हैं और मुझे ये घर बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपको दिखाने के लिए रुकी हूँ। अब जो भी हो, अगर आपको ये आपने देखा मैंने आपके घर की वीडियो बनाई, मुझे आपका घर बहुत पसंद है, मैंने इसीलिए बनाई। गार्डनिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे, ये देखो तो इसी के साथ वीडियो को करती हूँ मैं एंड। तो पहुँच गए हम अपने घर, मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा।